सनसनी ऑफ इंडिया। डेंटल क्लिनिक के एक डॉक्टर पर हेलमेट पहनकर अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को कालकाजी थाना पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सोनिया विहार निवासी नवीन सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। आरोपी नवीन डेंटल क्लिनिक का पुराना कर्मचारी निकला। आरोपी के अनुसार डॉक्टर से पैसों के विवाद और डॉक्टर का उसकी छोटी बहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसने डॉक्टर पर कातिलाना हमले की वारदात को अंजाम दिया। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 27 नवंबर 2021 को दोपहर लगभग 1:30 बजे थाना कालकाजी में एक PCR कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वाले ने बताया कि मेन रोड कालकाजी DDA फ्लैट 429 बस स्टैंड के पास विशाल डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर विवेक अग्रवाल को दो अज्ञात बाइक सवार लड़कों ने गोली मार दी है। कॉल के तुरंत बाद ही थाना कालकाजी की टीम घटना स्थल पर पहुंची और डॉक्टर विवेक अग्रवाल से मुलाकात की। डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया कि दोपहर लगभग 1:30 बजे हेलमेट पहने दो लड़के उनके क्लिनिक में घुसे और उनमें से एक लड़के ने गाली देते हुए उनके ऊपर पिस्तौल तान दी और फिर गोली चला दी, लेकिन वो किसी तरह से बच गए क्योंकि उन्होंने अपने बचाव में पास रखा रजिस्टर उठाकर अपने सीने के पास रख लिया और इत्तेफाकन गोली उसमें फंस गई। इसके बाद लड़के ने अपनी पिस्टल फिर से लोड करने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गई। हमला करने वाला लड़का तुरंत अपने साथी के साथ क्लिनिक से बाहर भागा और बाइक खड़ी अपनी बाइक से भाग गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर थाना कालकाजी में FIR संख्या 796/2021 IPC धारा 307/34 और 27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। दिन दहाड़े अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने ACP कालकाजी प्रदीप कुमार की देखरेख व SHO कालकाजी बलबीर सिंह और इंस्पेक्टर मुकेश बलियान लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में SI विनोद कुमार, SI मुकेश कुमार, SI मनु देव, SI प्रवीण, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल आनंद, कांस्टेबल वीरेंद्र, महिला कांस्टेबल मीना और CDR सेक्शन से कांस्टेबल मनीष की एक टीम का गठन किया था। इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम घटना स्थल पर पहुंची। जांच टीम ने क्लिनिक में लगे CCTV कैमरों को खंगाला। CCTV कैमरे में बाइक पर हेलमेट पहने दो व्यक्ति दोपहर करीब 1:30 बजे क्लिनिक के सामने दिखाई दिए। बाइक बाहर खड़ा करके वो लोग क्लिनिक में घुस गए। उनमें से एक ने तुरंत अपनी पिस्टल डॉक्टर विवेक अग्रवाल की ओर तान दी और उसे गोली मार दी। गोली सीने पर रजिस्टर लगाने पर उसमें फंस जाने के कारण डॉक्टर विवेक अग्रवाल किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। आरोपी ने फिर से अपनी पिस्टल लोड करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसके बाद आरोपी अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। जांच में पीड़ित डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने किसी भी प्रकार की रंजिश होने से इनकार किया। आरोपियों ने वारदात के समय हेलमेट पहन रखे थे, इसलिए जांच टीम को डॉक्टर विवेक अग्रवाल से आरोपियों की पहचान के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। आरोपियों के खिलाफ क्लू खोजने के लिए पुलिस टीम ने सबसे पहले पीड़ित और उसके स्टाफ की कॉल डिटेल्स को खंगाला। कॉल डिटेल्स में कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिला। वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपी की मोटरसाइकिल की धुंधली नंबर प्लेट दिखाई दी। जांच टीम अथक प्रयासों से मोटरसाइकिल के नंबर की पहचान करने में सफल रही। सिपनेट पर जांच में मोटरसाइकिल के मालिक की पहचान कमलेश सिंह के रूप में हुई। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन में दिया पता मौजूद नहीं था, लेकिन जांच टीम को मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में एक मोबाइल नंबर मिला। मोबाइल नंबर किसी नवीन के नाम पर दर्ज था। जांच के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि सस्पेक्ट नवीन पीड़ित डॉक्टर विवेक अग्रवाल के क्लिनिक में पहले नौकरी करता था। जांच टीम ने तुरंत सस्पेक्ट नवीन का मोबाइल नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगा दिया। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि वारदात वाले दिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। CDR एनालिसिस से सस्पेक्ट नवीन की लोकेशन सोनिया विहार में मिली। सोनिया विहार में लगातार छापेमारी की गई। कॉल डिटेल में सस्पेक्ट नवीन के संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ से आखिरकार सोनिया विहार में नवीन का सही पता मिल गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर विवेक अग्रवाल के क्लिनिक का पुराना स्टाफ जो कि नौकरी छोड़कर जा चुका था, उसने आरोपी नवीन की कुछ फोटो देने में मदद की। फोटोग्राफ से सस्पेक्ट नवीन और वारदात में शामिल उसके दोस्त की पहचान करने में मदद मिली। जांच के दौरान पता चला कि दूसरा आरोपी नाबालिग है और दोनों सोनिया विहार में रह रहे हैं। पुलिस टीम ने सोनिया विहार में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। आरोपियों को दबोचने के लिए सोनिया विहार में छापेमारी की गई। 28 नवंबर 2021 को नाबालिग आरोपी को दबोच लिया गया। नाबालिग आरोपी ने नवीन के साथ वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली।
नाबालिग की निशानदेही पर 29 नवंबर 2021 को नवीन के सभी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई और आखिरकार 22 वर्षीय नवीन सिंह ठाकुर पुत्र मुकेश सिंह को सोनिया विहार से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से एक देशी पिस्तौल, अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और घटना के समय उनके द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी नवीन सिंह ने बताया कि उसकी दो बहनें क्लिनिक में काम करती थीं और उसे भी उसकी बहन ने पीड़ित के क्लिनिक में भी काम पर रखा था। डॉक्टर और आरोपी नवीन के बीच कुछ पैसों को लेकर विवाद भी हो गया था। एक दिन आरोपी नवीन को पता चला कि डॉक्टर का उसकी छोटी बहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस बात को लेकर डॉक्टर और आरोपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोपी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और डॉक्टर से बदला लेने के वारदात को अंजाम दे डाला, लेकिन सफल न हो सका। आरोपी 22 वर्षीय नवीन सिंह ठाकुर पुत्र मुकेश सिंह सोनिया विहार निवासी ने 9वीं तक पढ़ाई की है। आरोपी समाज के गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। आरोपी डॉक्टर विवेक अग्रवाल के क्लिनिक का पूर्व कर्मचारी था। आरोपी के खिलाफ कोई पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।